दो रोज पूर्व हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के झज्जर आगमन पर उनका विरोध कर किसानों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल किए जाने पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शांति प्रिय ढंग से विरोध कर रहे किसानों पर प्रशासन ने गंदे पानी की बौछारें डलवाई थी, जो कि बेहद शर्मनाक है। वत्स ने प्रशासन को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की इस प्रकार की शर्मनाक कार्रवाई कांग्रेस के दिल और दिमाग में है। ऐसे अधिकारियों की सूची भी कांग्रेस ने तैयार कर रखी है, समय आएगा तो उनसे इस बात का हिसाब भी लिया जाएगा। समय आएगा, इसी साल राजकाज बदलते रहते हैं, तो प्रशासन की मैं देख रहा था कभी, ये राजकाज तो बदलते रहते हैं, क्या एक 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 बूंद अपने ऊपर गिरा ही अफसर, इनको शर्म नहीं आई किसान के ऊपर ऐसा कर रहे थे, मैं देख रहा था, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं इस विषय में मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मैं मांग भी करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों की ठीक है वो अपना एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे थे, यहाँ पे इतना सीवरेज का पानी उनके ऊपर डलवाएंगे, तो ये तो कुछ सोच और छोटी सोच के जो भी अधिकारियों ने किया, बहुत छोटी सोच के, और हम दिल और दिमाग में ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल बैठा के रख रखे। समय आने पर ये जो अपने आप में जो आज यूँ सोचते हैं कि भाई तुम ही खुदार भगवान बन गए हो, तो आने वाला समय में इन ऐसे अधिकारियों का इलाज हम जरूर करेंगे। इतना कमज़ोर हमें ना समझे, हम किसान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आती है चौधरी जी के नेतृत्व में, एक एक ऐसे अफसरों को जो ऐसी हालात कर रहे हैं किसान की, मजदूर की, आम आदमी की, उनको बख्शाएंगे नहीं, उसका ब्याज सहित पूरा हिसाब दिया जाए। बता दें कि यहां जिला मुख्यालय पर मीडिया के रूबरू हुए वत्स ने कहा कि किसानों पर गंदे पानी यानी कि सीवरेज का पानी डलवाने की प्रशासनिक कार्रवाई बेहद शर्मनाक है। अधिकारियों को बताना चाहिए कि क्या वो इस गंदे पानी की एक भी बूंद अपने ऊपर डलवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अधिकारियों की इस शर्मनाक कार्रवाई को विधानसभा में उठाएंगे और सीएम से मिलकर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। झज्जर से जगदीप राजजान की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।